जयपुर विकास प्राधिकरण ने 5,500 लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए तैयारी कर ली है। क्वारंटाइन सेंटर जेडी और आरएचबी फ्लैट स्पेस स्थापित कर दिए जा चुके हैं। आपको बता दें कि इसके लिए जेडी आयुक्त टी रविकांत ने बगराना स्थित बीएस यूपी फ्लैट्स और नायला स्थित राजस्थान आवासन मंडल के फ्लैट्स भी क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए बुधवार को मौके का निरीक्षण किया। इस मौके पर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। उन्होंने इस मौके पर बताया कि बगराना स्थित बीएस यूपी आवासों में 3600 आवास फिलहाल उपलब्ध है, जिन्हें क्वारंटाइन सेंटर के रूप में उपयोग में लिया जाने वाला है। इसी के साथ में नायला स्थित राजस्थान आवासन मंडल के करीब 2000 फ्लैट्स को भी उपयोग में लिया जाएगा क्वारंटाइन यहाँ पर लोगों को करने के लिए। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता दिनेश कसाना मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, बड़ा स्टेप यहां पर राजस्थान सरकार ने लिया, 5500 लोगों की यहां पर सुविधा के लिए क्वारंटाइन में यहां पर जगह निर्धारित की गई, क्या कहेंगे आप? देखिए जयती, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जो प्रदेश में कोरोना की संख्या बढ़ रही है, पॉजिटिव मरीजों को उसको लेकर गंभीर है। जयपुर शहर में लगभग आधी संख्या प्रदेश भर की जो पॉजिटिव मरीज है उनकी है, उसको देखते हुए जेडीएचसी टी रविकांत है उनको नोडल ऑफिसर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बनाया गया था, और जिसको देखते हुए जेडीसी ने कुल 10 क्वारंटाइन सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया, और उसके लिए टीमों का भी गठन किया गया है जेडीए की ओर से, और साथ ही जेईसीसी सीतापुरा और झालाना में आरईसीएम दो जो भवन है उनको क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। साथ ही आज बगराना में बीएस यूपी के जो फ्लैट्स हैं और नायला में आवासन मंडल के फ्लैट्स बने हुए हैं। कुल 5,500 लोगों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था जेडीए की ओर से की गई है, जिसके माध्यम से सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं उनमें खाने पीने की, जो जिन लोगों को क्वारंटाइन किया जाए उनको खाने पीने की तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। उन सुविधाओं से सुसज्जित पूरी जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं उनमें पूरा ख्याल रखा जाएगा, जिसको देखते हुए जेडीसी की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं कि इन जो आज जिनका निरीक्षण आज जेडीसी टी रविकांत ने किया, पूरी टीम उनकी वहां पर मौजूद रही। नायला में आवासन मंडल की ओर से जो फ्लैट्स बनाए गए हैं उनका निरीक्षण किया और पूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश जेडीसी की ओर से किए गए, ताकि जिन लोगों को क्वारंटाइन किया जाए। देखिए जयती, जयपुर शहर में कुल 476 पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो चुकी है, तो ऐसे में एहतियात के तौर पर 5500 लोगों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था जेडीसी की ओर से की गई है। आज जेडीसी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उनकी पूरी व्यवस्थाएं करने के भी निर्देश दिए हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद दिनेश, आपको राजधानी जयपुर से हम खबर दे रहे हैं। लगभग 5,500 लोगों की क्वारंटाइन को यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर टी रविकांत ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पर निर्धारित किए गए।